स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब दे स्पेशल प्रोग्राम पंजाब विशेष दे विच। अज पंजाब विशेष की शुरुआत करांगे बीते दिनी जो डीजीपी वल्लों एक खुलासा किया गया सीगा उसे खबर दे नाल दस दिए कि बीते दिनी अमृतसर दे विच टिफन बम मिले सी, सरहदी इलाके दे विच टिफन बम मिलिया सीगा ते हुण उसे ते ही कार्रवाई अगे वधांदे होए अज जलंधर दे विच वड्डी छापेमारी की गई है। दस दिए कि साबका जथेदार जसबीर सिंह भाई जसबीर सिंह रोडे दे घर छापेमारी की गई है ते उन्हां दे बेटे गुरमुख सिंह नूं गिरफ्तार किया गया है। इसे मामले दे विच इह टिफन बंब दे मामले दे विच गिरफ्तार किया गया है। दसिया जा रहा है कि इन्हां दे घरों भी कुछ हथियार बरामद होए ने, इस तरह की सामग्री बरामद की गई है जो कि सूत्रों के हवाले तो दसिया जा रहा है। तो जो उन्होंने पिता भाई जसवीर सिंह रोडे ने दसिया है कि साढ़े घरों खुद कुछ समान बरामद करके लैके गए ने, नाल ही उन्होंने बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जसबीर सिंह रोडे के घर कल देर रात रेड की गई 11 बजे। भाई जसबीर सिंह रोडे ने दसिया कि कल देर रात जदों इतने जिहड़े पुलिस वाले मुलाजम अंदर एंटर हुए तो कंधा टप के अंदर एंटर किया। कंधा टप्पण तो बाद उन्होंने अंदर जाके घर की तलाशी ली, लेकिन भाई जसबीर सिंह रोडे ने दसिया कि पुलिस वाले ने उस टाइम पर कुछ नहीं मिलिया। लेकिन फिर दोबारा सवेरे 4 बजे फिर दोबारा वो बैग लेके आए तो दोबारा उन्होंने तलाशी शुरू की गई तो कहा गया कि उन्होंने घर के बैग मिलया है। तो उस तो बाद उन्होंने बेटे भाई गुरमुख सिंह डिटेन कर लिया गया तो उन्होंने लैके चले गए नाल। तो बाद चो कहा जा रहा है जी हूँ जी खबर आ रही है कि उन्होंने को हथियार बरामद हुए हैं, ड्रोन बरामद होया है। तो हूँ भाई जसबीर सिंह रोडे का कहना है कि उन्होंने घर के जब पहला कुछ नहीं बरामद होया तो उस तो बाद बैग जोड़ा है अपने आप रखा गया, लेकिन हूँ दावा किया जा रहा है पुलिस वालों या NIA वालों कि वो जो हथियार हैं उन्होंने घर बरामद किए गए, यह गल बिल्कुल गलत है। देखो रात 12:15 बजे पुलिस ने मेरे घर रेड की, कंधा डप के अंदर गए तो अंदर जाके उन्होंने अंदरला बार खड़काया, मैं बाहर निकल मेरी सेहत सी, मेरी हार्ट की थोड़ी प्रॉब्लम सी, 4 स्टंट पे मैं हूँ भी हॉस्पिटल चलिया तो बाँह तो मेरी काफ़ी स्ट्रैचिंग हुई भी है। जदों उन्होंने आके कहा कि गुरमुख सिंह असी लैन आए हैं ये कोई इतराज योग समग्री है, मैं कहा आ जाओ तुम अंदर आओ। अंदर आ गए तो 10-12 जने से, कुछ उपरली मंजिल चले गए कुछ थले खड़े रहे, मैं भी उपर चले गया। उन्होंने काफ़ी बरीकी दे नाल गुरमुख दे बेडरूम की तलाशी ली, तलाशी ले कहते रहे तेरे को आ समान है, तेरे को आ समान है, तेरे को आ समान। वो कहते भी आ मेरा बेडरूम है जिते तुम चाहते तलाशी ले लो। उन्होंने तलाशी ली, तलाशी दौरान मेरे सामने उन्होंने कुछ नहीं मिले। फिर सारे थले आ गए, गुरमुख भी थले आ गया, बैठे रहे। बैठे रहने तो बाद वो गुरमुख नूं नाल लैके चले गए विदाउट कोई समगरी, विदाउट कोई यहोजा समान जिहड़ा इतराजयोग होवे लैके चले गए। बाद गुरमुख नूं उन्होंने लैके आए, कोई घंटे के बाद फिर 10-15 जने फिर आए। फिर उन्होंने मैनूं कहा भी असीं दोबारा तलाशी लैनी है। मैं कहा मैं बार बार चढ़ नहीं सकता, मेरी सेहत नहीं ठीक, तो तुम जिते चाहते तलाशी ले लो। इस दौरान मेरा गनमैन भी इत्थे सी, मेरा भतीजा भी इत्थे सीगा। उन्होंने फिर 2-3 घंटे तलाशी ली तो फिर 2-3 बैग उपरों लेके आए कि आ सानू समान मिलिया। मैनू नहीं पता नाल लेके आए सी, मैनू नहीं पता वो कमरे चो मिलिया की है की नहीं है। अज उन्होंने 4:30 बजे अज शाम अदालत पेश करना है, उस तो बाद जी चार्जशीट होगी उस तो पता लगू की है की नहीं है। मैनू यह भी नहीं पता कि वो नहीं आई सी कोई पंजाब पुलिस सी, जलंधर पुलिस सी, जा कोई कपूरथला पुलिस। अच्छा भाई गुरमुख सिंह लेके गए हैं उदो एक भी चीज़ नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, कहते कुछ होर बंदे फड़े उन्हें सामने करना, गुरमुख सिंह के कोलों असी इतराज योग समगरी प्राप्त करनी है। वो कल गुरमुख सिंह तो गड्डी लै गए नहीं, मैनू नहीं कोई दस्या। फिलहाल देखने वाली गल है कि हुण की प्रूफ कर सकते हैं NIA वाले, हुण की अगे अदालत जिहड़े तत्थ पेश करते हैं। तो हुण गल करांगे किसानां बारे जिथे अज CM कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों किसानां दा 520 करोड़ कर्जा माफ कीता है ते अज किसानां नूं इस बारे चैक भी दिते गए ने। अपने डेट एक कर्जा असीं माफ करना है तो आपां नूं हिस्से बनाउणे पैणगे इहदे। पहला तां असीं वन टाइम सैटलमेंट स्कीम कीती 2017 च,
और कोऑपरेटिव बैंक के तकरीबन 5,941 लोगों नू 128 करोड़ का उन्हों का कर्जा माफ किया। फिर असी 2020 3,370 लोगों का 78 करोड़ रुपया उन्हों का असी माफ किया। फिर तीसरा 2017 च छोटे थे मार्जिनल फार्मर्स 5 किले तक के जिन्हें काश करते और तकरीबन सारा पंजाब ही छोटा है। अज असी एक दिन देख रहे से कि जड़े सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से बैठे ने तकरीबन किन्नी इन्हों की एवरेजस उई अपने तौर पर पता करन वास्ते 2.5 एकड़ उन्हों की एवरेज है जमीन की 2.5 एकड़ जड़े उत्ते बॉर्डर से बैठे हैं। और 2.5 एकड़ की चीज़ होंदी है? कुछ भी नहीं। टब्बर पाल सकते हो ये ते। मैं याद है कई साल की गल है, मैं पोलैंड गया सी। उदो मेरे सिस्टर उत्थे सीगे पोलैंड च, उन्हां दे हसबेंड उत्थे दे अपने राजदूत से नटवर सिंह, तो उदो डिबेट चल रही सी उन्हां दे पार्लीमेंट विच। कॉम्युनिस्ट सी गुमलका दी, गुमलका बड़ा एक मन्या होया कॉम्युनिस्ट लीडर सी। डिबेट चल रही सी कि इत्थे किन्नी होनी चाहिए है जमीन, थोड़ी सीलिंग आनी चाहिए, उत्थे भी सीलिंग सी, तो उत्थे 40 किले सीलिंग हुंदी सी। पर डिबेट दे विच ए सी कि 40 किले चो परिवार गुजारा नहीं कर सकते से, तो उन्होंने कम्युनिस्टा ने चक के 100 किले तो लै गए ने कि इत्थे हुण अगे नू 100 एकड़ जमीन होएगी। ये नहीं मैं कह रहा कि असी कोई सीलिंग की कोई असी चेंज करनी है, लेकिन उन्होंने देखिया कि यह गुजारा नहीं हो सकता। तो तुसी जब 40 किलो तो गुजारा नहीं हो सकता सी, तो 2.5 किले तो की गुजारा होगा जो साढ़े बंदे इतने सिंगू बॉर्डर से उत्थे बैठे। सो ये गल्लां जिहड़ियां ने इह सरकारां नूं सोचना पैणा। और असी ये छोटे किसानों वास्ते 5,85,000 छोटे और मार्जिनल किसान से उन्हों का 4,700 करोड़ रुपया असी माफ़ किया उन्हों का 2 लाख तक। फिर रह कौन गया? रह गए वो जड़े गरीब से, जेड़े किसानों से निर्भर से और उन्हों को जमीन काश्तकारी वास्ते कुछ भी नहीं, और अज दे दिन असी कर रहे हैं 526 करोड़ माफ़, ताकि ये छोटे जदों किसान नहीं इन्हों कुछ दे सकता, इन्होंने वास्ते काम कुछ है नहीं, तो फिर रोटी कितों खानी। तो जिवें जिवें पंजाब दे विच चोणां दा समां घटदा जा रहा है, तो चोणां जल्दी आने वालियां ने, उस तरह ही सियासतदानां दे अलग अलग रंग देखण नूं मिल रहे ने। दस दिए कि पंजाब भाजपा तो कढ़े गए साबका मंत्री अनिल जोशी ने अज अकाली दल ज्वाइन कर लिया है, तो अकाली दल दे विच शामिल हो गए ने। दस दिए कि किसानों की हिमायत करन दे चक्कर दे विच भाजपा वालों उन्होंने 6 साल लिए बहार कर दिया गया सी, ते अज वोटा दे जिस तरह इलैक्शन आने वाली ने, ते अज उन्होंने अकाली दल नू ज्वाइन कर लिया, ते अकाली दल दे विच शामिल हो गए ने। अज बड़ी खुशी है, श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान होने के नाते मैं कहना चाहता मैनू भी बड़ी दिलों खुशी है, समुची लीडरशिप नू भी बड़ी खुशी है। जो मैं अपनी कोर कमेटी अपने पार्टी की जथेबंदी मैं गल की, उन्होंने बड़ी खुशी आई जो मैं क्या अनिल जोशी जी तो उन्होंने समुची टीम जो जिन्हों पिछले 20-25 साल का साड़ा रिश्ता है, पर क्योंकि पार्टी अलग सी, पार्टी मैं उन्होंने गल की, उन्होंने कहा किवें ना किवें इन सारी टीम नू अपने विच लैके आओ। असीं एक परिवार च हाँ, तो मैनू इन्हां दी एक गल किसे ने सुनाई, मैनू आंदे यार तैनू पता तेरी सुखबीर जी किन्नी इज्जत करदे आ। मैं कहा मैं तो छोटा भरा उन्हां दा, असीं कट्ठियां काम कीता, मेरे को डिपार्टमेंट सी अपना शहरी डिवेलपमेंट दा, इस करके रोज़ साडा मीटिंग्स हुंदियां सी रोज़। आंदे नहीं एक गल हो रहा, मैं कहा ओ की? आंदे आ भी मैं अनिल जोशी की इस करके इज्जत करदा कि वो लोगों के मुद्दे करके
अपने जिहड़े शहरां दे विचों नुमाइंदा बन के आउंदा उन्हां व्यापारियां इंडस्ट्रियलिस्टां करके इन्ना क स्टैंड लै जांदा कि सानू झुकना पैंदा, सानू उहदा काम करना पैंदा। इस करके उहदी मैं इज्जत करदा कि उह हमेशा लोक हित दे विच खड़ा रहिंदा, कदी अपना काम नहीं लैके आया। ਕੀ ਤੇ ਮੋਹ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਦ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਯੈਸ ਸਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ अपनी मन की गल पंजाब बारे कह वाला लीडर आ गया तो वापस आया, गया तो वापस आया, गया तो वापस आया। एक भी पंजाब की गल रखण वाला बोलण वाला लीडर उस पार्टी च टिक नहीं सकिया, क्योंकि दिल्लियों रिमोट चलना तो हुक्म दिल्लियों आना। फिर मैं आते रह गई श्रोमणी अकाली दल, इको एक रीजनल पार्टी है। मैं क्या बिल्कुल, मैं क्या असी समझौते जो उन्होंने नाल रहे हैं, पर उस वेले श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हुंदा सी, ते एक सैकुलर फेस पंजाब दे विच नज़र आउंदा सी, हिंदू सिख भाईचारे का फेस नज़र आउंदा सी, नौ मास दे रिश्ते का फेस नज़र आउंदा सी। अगर पंजाब दे विच श्रोमणी अकाली दल इस फेस दे नाल दुबारा तो पंजाब दे इस शांति भाईचारे वास्ते एक एजेंडे दे उत्ते आउंदी आ, ते मैं अकाली दल दे विच जाऊंगा। जिथे 2022 दीआं चोणां नूं लैके लगातार सियासी पार्टियां अपनी पार्टी नूं मजबूत करन दे विच लगियां होईआं ने, ते उधर कांग्रेस च नवजोत सिद्धू भी अपनी पार्टी नूं मजबूत करन च लगे होए ने, ते लगातार अज CM कैप्टन दे नाल उन्होंने मुलाकात कीती है, ते अपने वर्करां दे नाल मंत्रियों की बैठक करन दा सुझाव दिता है। दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल मिलके नवजोत सिंह सिद्धू ने सुझाव दिते ने, जिस दे विच उन्हां दे नाल पंजाब कांग्रेस दे जनरल सकत्तर बनाए गए प्रगट सिंह भी मौजूद सन, ते कार्यकारी प्रधानां दे विचों कुलजीत सिंह नागरा भी मौजूद सन। ते इस दे उत्ते ही अज जो अपील, अज जो मंग कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने कीती सीगी, ते कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों इमीजिएट एक्शन लैंदे होए इसे ते कार्रवाई करदे होए अपनी सिद्धू की मंग नूं मन्नदिआं मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है कि आने वाले दिनों के कांग्रेस भवन के मंत्री बैठनगे, तो वर्करां दे नाल गलबात करनगे, तो 2022 दीआं चोणां नूं लैके वर्करां दे नाल रणनीति तैयार करनगे, ताकि जो वर्कर पिछे रह चुके ने, जिन्हां वर्करां दीआं नाराजगियां ने उन्हां नूं दूर करके 2022 दीआं चोणां फतेह कीतियां जाण। ते गल करांगे एक बार फिर तो ही सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी सरकार दे विच काम काज कर रहे अधिकारियों के उत्ते सवाल चुकने शुरू कर दिते ने। दस दिए कि पिछले कई मामलों तो एडवोकेट जनरल के खिलाफ अपने आवाज़ चुकी हुई सी कि इन्हां नूं सस्पेंड किया जाए, तो अज इसी गल नूं लैके सुखजिंदर सिंह रंधावा वल्लों कैप्टन सरकार नूं दोबारा तो अपील की गई है, तो इस दे समर्थन दे विच MLA मदन लाल जलालपुरा भी आए हैं। सुनो की कुछ किया उन्होंने। मुद्दे एक पंजाबी चक सकता ही एक सिख वकील होंदा इहदी जगह ते, जिहनूं पंजाब दी दर सी, पंजाब दा रहण वाला होंदा। ये फैसला साडी पार्टी ने गलत लिया जिहड़ा दिल्ली तो लिया के एडवोकेट जनरल लाया। मेरे हिसाब नाल मेरी अपनी सोच आ, CM दी सोच वक्री आ, उन्हां नूं पता होगा वड्डे सियाणे आ वी इहने की फायदा करिया पंजाब दा, पर साडे हिसाब नाल तां कोई फायदा उहनूं लगदा नहीं। भी पंजाब दा ही बंदा चाहीदा जी, पंजाब हुंदा एडवोकेट जनरल जिहड़ा पंजाबी गल करदा, इहदा हमेशा इहदे दाग ही लगते रहे आ, चाहे बिजली बोर्ड के दाग लगे, चाहे ये जिहड़ा साडा बरगाड़ी कांड सी वी केस सही पुटअप नहीं कर सकिया, वह भी इहदे वड्डे वड्डे दाग लगे आ, करप्शन के दाग लगे आ। तो मैं कहना भी जो रंधावा साहब कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो मैं रंधावा साहब
ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ 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 ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 7 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹੱਕ ਸੀ ਹੱਕ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ, ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਣ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ 30,000, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ 40,000, ਕਿਸੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕੱਟਣ ਮਿਊਂਸਪੈਲਟੀ ਦੀਆਂ, 90 ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? ਆਈ ਕੋਈ? ਆਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਈ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, 0/0। ਅਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤਾਨਖਾ ਨੇ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ 'ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤਾਨਖਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੌਜ ਵਾਲਾ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾਹ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤਮਾਮ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।